मुख्यमंत्री जी बने हैं, इनको पार्टी ने दायित्व ये दिया है कि सुबह नाश्ता कर दबा के हेलीकॉप्टर दे दिया, इसमें बैठ के उड़ जा, कभी मंदिर में ढोक दे के आ जा, कभी जाके भाषण दे के आ जा। और ये काम काका जी करेगा क्या? बीजेपी कहती है परिवारवाद, ये कौन सा वाद है? जवाब तो दो। अरे कितने दिनों से इस्तीफे का ड्रामा किया गया भाई, अगर इस्तीफा ही देना था तो दे दुआ देता। भाई का टिकट आ गया, कंठ किसकी पकड़ के लाया? मैंने सुना बीच में कह रहे थे कि 13 आदमी तो मेरे पास है और एक आध और हो गया तो इसको सलटा दूंगा। हम करें तो परिवारवाद, और बीजेपी कंठ मरोड़ के जातिवाद के पांव में लौट जाए वो परिवारवाद नहीं। नमस्कार, दौसा से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने ब्राह्मणों की आवाज को दबाकर भाई जगमोहन मीणा के लिए टिकट दिलाने की कोशिश की है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चलिए जानते हैं रघु शर्मा ने इस पर क्या कुछ कहा। आज नामांकन के साथ ही इनके प्रचार का काम भी शुरू होने वाला है। मैंने अभी मुरारीलाल मीणा जी को सुना, साफ साफ बात उन्होंने अपने दिल की जो थी यही सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस साजिश को राजस्थान में करती आई है वो कानापूसी करने वाले लोगों को छोड़ देती है जगह जगह, और ये कानापूसी उन्होंने खुद ने साफ कर दी है। आज ये दुश्मन है कांग्रेस के, जो भी कानापूसी करता है इस तरह की उससे ही सावधान रहने की जरूरत है। चुनाव तो आप जीते हुए हो, कोई कारण नहीं है चुनाव हार जाए कांग्रेस, लेकिन ये कानापूसी से सावधान रहने की जरूरत है। यही कानापूसी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए कम से कम जिसके दिल में कांग्रेस है, अरे वो धरती है जो पंडित नवल किशोर शर्मा की कर्मस्थली रही है, ये धरती है जो स्वर्गीय राजेश पायलट जी की धरती है उनकी कर्मस्थली रही है, बाद में रमा जी बनी, सचिन पायलट जी बने और आज मुरारी लाल मीणा जी है। दौसा के रग रग में कांग्रेस पार्टी है, या 36 कौम के लोग कांग्रेस को आशीर्वाद देते आए हैं, लेकिन जब से ये कानापूची करने वाले लोग आए इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। इस बाई इलेक्शन में 36 कौम के लोगों को मेरी निवेदन है, याद करिए एक साल पहले की सरकार जो अशोक गहलोत जी ने दी, 5 साल के अंदर एक एक विधानसभा में हम बात करते थे विधायक गण आपस में, कोई विधानसभा में 7 कॉलेज, आज ये पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज यहाँ खुला है, ये अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार की देन है। बीजेपी बताए तो सही, वसुंधरा जी 10 साल सीएम रही है, उससे पहले भैरव सिंह जी रहे। मुझे याद है एक बार बाई इलेक्शन में आया था मैं, स्वर्गीय राजेश पायलट जी के निधन के बाद में जब रमा पायलट जी चुनाव लड़ रही थी, तो यहाँ भैरव सिंह शेखावत जी आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा मैं दौसा की धरती से आंदोलन की शुरुआत करूंगा। मैंने उस टाइम क्या कहा था, मैंने कहा वो पवित्र मिट्टी है जिस पर अंतिम सांस राजेश पायलट ने लिए, हमारे नेता नवल किशोर शर्मा ने अपने खून और पसीने से इस दौसा की धरती को सींचा है, भैरव सिंह जी कोई और ही मिट्टी तलाश करो आंदोलन करने के लिए। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, पिछले 10-11 महीने से राजस्थान में एक नौटंकी चल रही है, सरकार नाम की चीज नहीं है। एक काम बता दे 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो इस सरकार ने किया है, हमारे अध्यक्ष जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बने हैं, इनको पार्टी ने दायित्व ये दिया है कि सुबह नाश्ता कर दबा के हेलीकॉप्टर दे दिया, इसमें बैठ के उड़ जा, कभी मंदिर में ढोक दे के आ जा, कभी जाके भाषण दे के आ जा। और ये काम काका जी करेगा क्या? हकीकत है अगर गलती कर ली इनको वोट देने की तो पछताओगे, बाबा ने बट निकाल के टिकट लिया है, भतीजा तो है ही है, वहां महुआ में भतीजा तो है ही है,
अब भाई यहां आ गया, बीजेपी कहती है परिवारवाद, ये कौन सा वाद है जवाब तो दो। मैं डीसी के पिताजी को जानता हूं, एक बार बाई इलेक्शन इनके पिताजी ने भी लड़ा था, हम आए थे उस टाइम, यूथ कांग्रेस में काम करता था मैं। ये परंपरागत कांग्रेस का कार्यकर्ता है और जब भी दोसा आते हैं इसकी नजर पांव की तरफ रहती, इतनी इज्जत देता है। और मैं आज कहना चाहता हूं, अगर डीसी जैसा कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीतता है किसी कारण से, तो ये पछतावा 36 कौम के लोगों को होगा। इसलिए समय रहते आज शुरुआत है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है 36 कौम के लोगों से और विशेष तौर से ब्राह्मण समुदाय के लोगों से, इनके झांसे में मत आना। ब्राह्मण की कंठ दबा के तो टिकट लाया है, कितने दिनों से, अरे कितने दिनों से इस्तीफे का ड्रामा किया गया भाई। अगर इस्तीफा ही देना था तो दे दुआ देता, भाई का टिकट आ गया, कंठ किसकी पकड़ के लाया। और मैंने सुना बीच में कह रहे थे कि 13 आदमी तो मेरे पास हैं और एक आध और हो गया तो इसको सलटा दूंगा, ये हकीकत है। इसलिए इनकी सावधान रहना, इस दोसा को दोसा रहने दो, इस दोसा को 36 कौम का रहने दो, और इस दोसा को अगर विकास चाहिए तो कार्यकर्ता को जिता देना। मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस रहेगी जैसा आपने मुरारी लाल जी को जिताया, 2,37,000 वोट से ऐसे नहीं जीतता आदमी, 36 कौम के लोग वोट देते हैं जब जीतता है, वही 36 कौम से रिश्ता कांग्रेस पार्टी का है। हम करें तो गलती, हम करें तो परिवारवाद, और बीजेपी कंठ मरोड़ के जातिवाद के पांव में लौट जाए वो परिवारवाद नहीं। इसलिए इन चीजों को, क्योंकि दोसा की धरती पर सारे ही नेता हैं, यहां किसी को नेतागिरी समझाने की दोसा में जरूरत ही नहीं है, यह सब नेता है और आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक कांग्रेस परिवार का आदमी, खानदानी कांग्रेस, इसको आशीर्वाद देके कामयाब करना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रघु शर्मा का यह बयान बीजेपी के भीतर की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। रघु शर्मा ने इस स्थिति पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी राजनीति न केवल कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है बल्कि यह समाज में विभाजन भी उत्पन्न कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान बीजेपी की रणनीतियों पर असर डालेगा? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी पार्टी के भीतर से इस चुनौती का सामना कर पाएंगे या फिर कांग्रेस का यह हमला बीजेपी की एकता को प्रभावित करेगा? यह घटनाक्रम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण बन जाएगा। आपकी राय इस पर क्या है? क्या ऐसे बयान राजनीति गहमागहमी को बढ़ाते हैं या फिर हमें एक नई राजनीति रणनीति का संकेत देते हैं? कमेंट्स में अपने विचार साझा करें, हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले राजनीति अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता दरबार के साथ।